कंडक्शन बैंड की क्या सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे प्यारे बच्चों हम लोग को बताना है कि बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो देखो एट रूम टेम्प एट 0 केल्विन अगर बात करते हो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे बात करते हो तो सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, बैंड थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो बैलेंस बैंड में ये इंसुलेटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है और सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो ये तो कहानी कब थी, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सेमी कंडक्टर होता है वो इंसुलेटर होता है। बट व्हाट अबाउट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर 300 केल्विन पर देखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ अपीयर हो जाते हैं, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर है थोड़ा थोड़ा कंडक्टिविटी करता है लिटिल बिट, सॉरी है। तो यहाँ से रूम टेम्परेचर पे थोड़ा थोड़ा कंडक्टिविटी करता है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा भरा है, तो ये थोड़ा सा पार्शियली फील्ड है और ये भी पहले अगर भरा भी होगा तो कूद के यहाँ चलेंगे तो ये भी पार्शियली फील्ड होता है। तो वैलेंस बैंड इज पार्शियली फील्ड एंड कंडक्टर में पार्शियली फील्ड, दोनों पार्शियली फील्ड होते हैं, ये हमें याद रखना है। चलो वैलेंस बैंड ये गलत है, जब पहला ही मिल गया तो बाकी सारे गलत ही है। कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली नहीं होता।